Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome to Masala Mornings. कैसे हैं आप सब मेरे चाहने वाले? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, बाहर जा रहे होंगे लेकिन SOPs के साथ मास्क पहनते हुए, ठीक है। ज़ाहरी बात है, अब तो हम, मुझे तो ऐसा फील होता है कि अब इसके साथ हमें रहना है और जितने दिन भी रहना है तो अब कितना इंसान घर में बैठेगा। देखें, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ठीक है, मास्क पहने, डबल मास्क पहन के बाहर जाएं, SOPs का ख्याल रखें, लाइफ भी इंजॉय करनी है, काम तो चलते रहेंगे। मैं देख रही हूँ कि शादियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ख्याल रखते हुए करें और बहुत ज़्यादा रश ना करें, है ना। जैसे शादियाँ लोग कर रहे हैं तो 300-400 लोगों की, इतना हजूम ना करें। तो ये भी ज़रूरी चीज़ है, बेचारे कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एक एक साल शादी रुकी हुई है, तो करें लेकिन थोड़ा सा अपना और अपने घर वालों का और दूसरों का भी ख्याल रखते हुए, है ना। अच्छा जी, आज का वेजिटेरियन मेन्यू है और कल का भी वेजिटेरियन मेन्यू है, दोनों दिन बहुत मज़े की चीज़ें हैं, ठीक है। आज हम आपको एक ऐसी बिरयानी सिखा रही हूँ कि आपको इसमें गोश्त और चिकन की, आई प्रॉमिस यू, कमी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इतने मज़े की ये आलू की बिरयानी, ये बड़े बड़े पीसेस, आप इसमें 1 किलो मैंने आलू लिए और बड़े पीसेस करने हैं आलू के। अच्छा, जब ये तैयार हो जाएगी तो इसको हम सर्व करेंगे विद बॉइल्ड एग्स। और मैंने आज थोड़ा सा इसमें लिखा नहीं है लेकिन आई लव मटर और आजकल पीस इतने अच्छे मटर हैं तो मैंने मटर भी मैं इसमें डालूंगी एंड में, ठीक है। तो एक तो ये है और एक हम बना रहे हैं भोंडे, साउथ इंडियन डिश है ये, और एक हम बना रहे हैं सांभर, जो कि भोंडे आप सांभर के साथ सर्व करेंगे, और हम बना रहे हैं सांभर मसाला, मैं बना के लाई हूँ, और हम बना रहे हैं भोंडे की चटनी। इतनी सारी चीज़ें हैं आज, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें रेडी हैं। मैं आपको सांभर मसाला लिखवा रही हूँ, लिखा हुआ है आपको रेसिपी कार्ड में आएगा, लेकिन आपको लेना है चने की दाल 3/4 कप कच्ची, 3/4 कप चने की दाल, कोई इसको भिगोना नहीं है, कुछ नहीं करना। एक आपने इसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिए सूखे कपड़े से, ताकि अगर उस पर कोई ऐसी चीज़ है भी तो वो हट जाए ना। तो आपने 3/4 कप चने की दाल ली और उसमें आपने थोड़ा सा एक फ्राई पैन में तेल डालना है, बराए नाम 2 टेबलस्पून, और उस चने की दाल को आपको रोस्ट करना है, भून लीजिएगा, ठीक है। जब आपको सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगे तो आपने चने की दाल निकाल दी, फिर उसी फ्राई पैन में 1 टीस्पून और तेल डाल दीजिए और 1/2 चाय का चम्मच मेथी दाना, ज़्यादा नहीं डालिएगा आपका मसाला कड़वा हो जाएगा, 1/2 चाय का चम्मच आपने मेथी दाना डालना है और उसको भी बहुत अच्छी तरह से हल्का सा भून दीजिए, हो गया, उसको निकाल दिया। फिर तेल अगर उसमें बच गया है तो उसी तेल में आपको साबुत छोटी बटन रेड चिलीज डालनी है, 15-18 डाल दें, ठीक है, 15-18, मैंने 18 ली थी, वो आपने डाली और उसको बहुत हल्की आंच पे आपको भूनना है। ये तीनों चीज़ों को आपको अलग अलग भूनना है, ठीक है। तो ये आपने भून के अलग निकाल लिया तीनों मसाले, क्या क्या, चने की दाल कच्ची भूननी है, इसको टाइम लगता है भूनने, 5-7-8 मिनट लग जाते हैं जब तक कि उसमें से प्यारी सी सोंधी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद मेथी दाना 1/2 चाय का चम्मच और साबुत लाल मिर्चें 15-16-17-18 जितनी आपको चाहिए तेज़ी, मैंने 18 ली थी तो सांभर में थोड़ी सी मज़े की लगती हैं। ये आपने हल्के से तेल में सारी चीज़ें भूननी है, भूनने के बाद इसको हटा दिया, ठंडा किया और इसको बारीक पीस लिया, इतना खूबसूरत लाल कलर आ जाता है, बस और कुछ भी नहीं। और अगर हींग डालना चाहे तो हींग डाल दीजिए, ठीक है, हींग पड़ती है इसमें, हींग डालना चाहे वो डाल दीजिए, ओके। सांभर के लिए आपको चाहिए अरहर की दाल,
ठीक है, इसमें चने की दाल, तुअर चने की दाल और कोई दाल नहीं पड़ती, सिर्फ अरहर की या जिसे तुअर की भी दाल कहते हैं वो आपको लेनी है एक कप। मैंने एक डब्बा भी नहीं लिया है, एक कप बहुत बन जाता है, ठीक है। और उसको आपने एक घंटा भिगो दिया, भिगोने के बाद चार से पाँच कप पानी में उसको बॉईल करना है हल्की आँच पे। अरहर की दाल टाइम लेती है गलने में, अभी से बता दूँ आपको। और जब आप इसको बॉईल करें तो ये जो आपने मसाला पीसा है उसमें से 1 टेबलस्पून डाल के, सॉरी जब आप बॉईल करें तो 1 टेबलस्पून आपने सांभर मसाला डाल के और बॉईल करना है, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने किया है। अब आप आ जाइए भोंडे की चटनी पे। इसके लिए आपको हरा धनिया लेना है आधी गड्डी। अब बहुत सी गड्डियाँ बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, तो आप आधा कप भर के ले लीजिए फ्रेश हरा धनिया। और उसकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डंडियाँ होनी चाहिए ताकि इसकी खुशबू आए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे, इस चटनी की जो खासियत है ना वो ताज़ा नारियल है। और ताज़ा नारियल मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाता है, कहीं सस्ता कहीं महंगा, ठीक है। ताज़ा नारियल आपको लेना है और उसको आपने तोड़ना है। तोड़ने के बाद उसका जो ब्राउन पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो होता है वो आप निकाल दीजिए। और फिर आपने नारियल एक कप खुरच के लेना है, आधा गड्डी हरा धनिया, ठीक है, एक कप ताज़ा नारियल ग्रेटेड। उसमें आप डालेंगे हरी मिर्चें, फिर ये आपकी टेस्ट है, 6 डाल लें 4 डाल लें, बहुत सारे लोगों को तेज़ नहीं पसंद, 2 भी डाल लें, ठीक है। ये डालेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून जाएगी चने की दाल, चटनी के अंदर पीसने में 2 टेबलस्पून चने की दाल कच्ची, ठीक है। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 कप दही। ये सारी चीज़ें एक साथ ब्लेंडर में जाएंगी और चटनी को पीसें विदाउट वाटर, बिकॉज दही से ही चटनी पिस जाती है, ठीक है। फिर हम इसका तड़का लगाएंगे आपके सामने। चटनी मैं पीस के लाई हूँ, 1/2 कप भर के हरा धनिया, बिल्कुल नीचे नीचे दबा दबा के भरिएगा, ताज़ा नारियल ग्रेटेड खुरचा हुआ 1 कप, हरी मिर्चें आपकी टेस्ट के मुताबिक मैंने 4 डाली थी, ज़्यादा तेज़ पसंद है छोटी तेज़ वाली 6 डालो वरना 2 भी डाल सकती है। उसके बाद 2 टेबलस्पून कच्ची चने की दाल, नमक 1/2 टीस्पून और दही 1/2 कप। ये दही के साथ चटनी पिसेगी वरना नहीं पिसेगी, पानी इसमें एक कतरा भी नहीं जाएगा। चटनी आपने पीस ली ताज़े नारियल के साथ, तैयार हो गई, आपके सामने हम इसका बघार देंगे। अब आप आ जाइए भोंडे पे, मुझे समझाना है फिर मैं चलूँगी किचन की तरफ। भोंडे के लिए आपको लेना है चावल, टोटा चावल, सस्ता वाला चावल नहीं आता है, कनकी कह लें, टूटा चावल कह लें, आजकल तो एम्प्रेस वाकई में खीर का चावल अलग मिलने लगा है, वो टूटा हुआ होता है, ठीक है। तो 1/2 कप आपको चावल लेना है टूटा चावल, उसमें आप डालेंगे 1.5 कप माश की दाल, सफ़ेद वाली माश की दाल, 1/2 कप चावल टूटा और 1.5 कप, मैंने 1 पाव लिया था वो 1.5 कप के बराबर ही हो जाता है, 1 पाव माश की सफ़ेद दाल। इन दोनों को मैंने 6 घंटे के लिए भिगो लिया, ये काम मैंने कल यहाँ से जाने के बाद शाम में किया था 6 बजे के बाद, ठीक है। इन दोनों को मैंने 6 घंटे भिगो लिया, 6 बजे भिगोने के बाद मैंने इसको 6 घंटे भिगोने के बाद मैंने रात में लेट नाइट इसको पीसा दोनों को, और बिल्कुल चॉपर में पीसना है आपको बारीक, ठीक है। पानी डाल के, कितना पानी, 3 से 4 टेबलस्पून, बस गाढ़ी होनी चाहिए, गाढ़ा होता है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसको हमने पीस लिया, पीसने के बाद पूरी रात प्याले में रख के क्लिंग से कवर किया या फॉइल से कवर किया और आपने इसको अवन में डाल दिया। पूरी रात ये पिसावा मिक्सचर आपका गाढ़ा अवन में पड़ा रहे या माइक्रोवेव में डाल दीजिए, खोलना नहीं है, ना अवन खुलेगा ना माइक्रोवेव खुलेगा, अंदर डाल दें बस उसको ताकि उसमें थोड़ी सी खमीर आ जाए। अब
आपके सामने। मैं इसमें एक मसाला पिसा हुआ उसमें मिलाऊंगी। क्या क्या है उस मसाले में वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले जो रेसिपी हम यहाँ जा रहे हैं स्टार्ट करने हैं वो है हमारी आलू की बिरयानी, बहुत मज़े की, ठीक है। तो देखते रहिए, मेरे साथ रहिए, बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, आज का शो मिस नहीं करना है, बहुत मज़े की चीज़ें हैं रमज़ान के लिए। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम आ रहे हैं आलू की बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बिरयानी पे, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1 कप, बिल्कुल 1 कप चाहिए। इसमें हम सब में पहले शामिल करेंगे इटालिया का ही अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून भर के। इसके बाद इसमें जाएगी लाल प्याज, अभी मैं आधा कप डाल रही हूँ, आधा ऊपर से, ठीक है। आधा कप लाल प्याज चली गई। इसके बाद इसमें 4 बड़े टमाटर स्लाइस्ड, बहुत अच्छी तरह से आपको इसको भूनना है। एक कप इटालिया का, उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और हमने इसमें लाल प्याज शामिल की। टोटल 1 कप लाल प्याज है, मैंने थोड़ी बचाई है, बाद में डालूंगी ऊपर से। और मैंने इसमें शामिल कर दिए 4 टमाटर, ठीक है। आलू देख लीजिए, 1 किलो आलू, 1 आलू के 2 पीस, एक बड़ा आलू, इसके 2 पीस, ठीक है। 1 किलो आलू चाहिए, बिकॉज नेचुरली आलू की बिरयानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने चिकन बाइट बनाए, बहुत जबरदस्त बने, बहुत मजे की। बहुत शुक्रिया, मैंने आपको कल ही कहा था बहुत मजे के लगते हैं वो। बहुत मजे के आपा, मैं शिद्दत इंतजार कर रही थी कब आप शो लगे, और मैं कॉल मिला के आपको बताऊं कि बहुत जबरदस्त बने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मैंने अपनी बेटी को लंच में बना के दिए। वाह क्या बात है, बहुत मजे के, बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी ने खाया और उसको अच्छे लगे। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ठीक है? जी अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत शुक्रिया। मैंने वो आपकी रेसिपी से फूड स्ट्रीट कढ़ाई बनाई, बहुत जबरदस्त बनी, चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई, बहुत जबरदस्त बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप लोग ट्राई करती है और अच्छी बनती है, अल्लाह का बहुत एहसान है। जजाक अल्लाह जी, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, टमाटर जब हमारे पकने लग जाएं इसमें, ठीक है, अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। मसाले में जाएगा नमक 2.5 टीस्पून, बिल्कुल 2.5, ज़्यादा नहीं होगा, आप डालें, ठीक है। 2.5 टीस्पून नमक चला गया। उसके बाद आप इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2.5 टीस्पून, मेरे ख्याल से 2.5 है या 3 है, 3 टीस्पून। मसालेदार बिरयानी है ना, ज़ाहरी बात है मसाला तो चाहिए, बड़ी अच्छी मज़े की स्पाइसी स्पाइसी होती है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2.5 टीस्पून,
उसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी हाफ टी स्पून है शायद, चेक करती हूँ। हाफ टी स्पून तीन टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ढाई टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और ढाई टीस्पून नमक। ये देखें, मसाला इसका इस तरह का होगा, मज़े का। थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे दही, ठीक है। दही जाएगी इसमें तकरीबन डेढ़ कप, डेढ़ पाव, और इसमें जाएगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में मैं दही डालूंगी और साबुत हरी मिर्चें। अच्छा बेटा, डेढ़ कप दही, डेढ़ पाव या डेढ़ कप, ये डालूंगी अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें जा रही है हरी मिर्चें साबुत छोटी तेज वाली, 8-10 डाल दें, 12 डाल दें। अब इसमें आप डालेंगे आलू, एक किलो आलू बड़े पीसेस। आई प्रॉमिस यू बहुत मज़े की बनती है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी। ठीक है, आलू चले गए। कच्चे मटर हैं तो आप इसी वक्त मटर डाल दो, दिस इज़ ऑप्शनल, इसमें होती नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मैं डालती हूँ। मेरे ब्लांच किए हुए हैं, मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और इसको गलने के लिए छोड़ रहे हैं। ब्रेक भी आ चुकी है तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक आपके सामने। इसमें देखें ये बचा हुआ पानी जा रहा है, आधा कप जितना पानी डाल दीजिए, कवर कीजिए इसको और छोड़ दीजिए गलने के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे मैंने आलू की बिरयानी का मसाला रेडी किया करने रख दिया है। नेचुरली इतने बड़े बड़े पीस आलू के टाइम लगेगा गलने, तो ये गलते रहे अपने आराम से, और जब इसका आलू गल जाएगा और तेल ऊपर आने लगेगा तो मैं इसमें, मैंने जितना भी तेल डाला है ना उसको मैं एक प्याले में निकाल लूँगी, ठीक है, फिर आप देखिएगा क्या करेंगे। अच्छा, अब आते हैं भोंडे पे। भोंडे के लिए आपको हमने समझा दिया था, आधा कप टूटा चावल था, एक डब्बा या डेढ़ कप माश की दाल थी, और उसको ये देखें किस तरह हो गई है, ठीक है। इसमें से आजकल सर्दी है ना, तो ज़रा भी स्मेल नहीं है, वरना गर्मियों में इसमें से एक टिपिकल जो स्मेल होती है दही बड़ों की वो आती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, पूरी खमीर हो गई है, ये देखें, ठीक है। अब आइए इसमें से वो टिपिकल जो स्मेल होती है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, ये आप पहले से नहीं डालेंगे, वन टीस्पून सॉल्ट, और हम इसमें शामिल करेंगे
मोटा मोटा कुटा हुआ दरदरा सा एक मसाला। मसाले में मैंने लिया है एक टीस्पून तकरीबन 15 साबुत काली मिर्चें, और मैंने एक इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, हरी मिर्चें 6 ली हैं छोटी तेज़ वाली, हरा धनिया आधा कप। ये इसका चॉपर में पीसा है मोटा मोटा मसाला। आपको इसको पतला पानी डाल के नहीं पीस, पानी डालें लेकिन चॉपर में ही 1 टेबल स्पून जितना जाएगा। ये पूरा मसाला इसमें चला गया। अच्छी तरह इसको आप मिक्स करें। ये देखें, ठीक है, ऐसा गाढ़ा बैटर होना चाहिए। अब एक बहुत ज़रूरी टिप जिससे ये क्रिस्पी और क्रंची होंगे, आपको इसको घी, आधा घी और आधा तेल फ्राई करना है। मैंने ले लिया है घी और इसमें मैं डालूंगी इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल। आपको भी लाजमी करना है आधा घी और आधा तेल, और ये डीप फ्राई होंगे। ये देखें मेरा सांभर मसाला, चने की दाल, लाल मिर्चें, मेथी दाना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे थोड़ा सा पानी या तेल। लेट मी ट्राई विद वाटर। ये हमारे 750 ग्राम सेला चावल है जिसको मैंने काला ज़ीरा, साबुत गरम मसाला और तेज पत्ते के साथ बॉईल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा बोलो। आंटी मैं ना गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा तो करिए। मैं 12 इयर्स की हूँ। अच्छा तो अच्छा है ना बेटा, सीखो अभी से सीखो। सारा दिन तो मसाला टीवी आपके घर में चलता है, आप हमारे प्रोग्राम्स देखिए और सीखिए। जी ठीक है। मैंने कपकेक्स बनाए थे। कौन से? बनाना हेज़लनट के? वनीला कपकेक। कैसे बने? अच्छे बने थे लेकिन ना अंदर से ना थोड़े थोड़े कच्चे रह जाते हैं। इसलिए कि आप उसको बहुत ऊपर तक भरती हैं, अपनी ट्रे को इतना ऊपर तक नहीं भरा करें, आधा भरा करें। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम बेटा। ऊपर तक भरेंगी एक तो बाहर भी निकल के आ जाएगा और कच्चा रहेगा ना, एक्चुअली उसको जगह नहीं मिल रही ना फूलने की। थोड़ा सा पानी का हाथ। ठीक है, छोटा कल जो मैं स्कूप इस्तेमाल कर रही थी ना आइसक्रीम कुकी स्कूप, उससे भी डाल सकते हैं आप। बस ये ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा वो ना हो, मतलब आप उसको बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ना डालें, और इसी तरह डालिए और हल्के पे उसको छोड़ दीजिए, आराम से पकने दें, बिकॉज नेचुरली चावल और माश की दाल है।
ये बैटर का खास ख्याल रखिएगा, इसको ज़्यादा नहीं पानी डाल के पीसते हैं। बस मैं अब इसको डाल के और फिर सांभर पे आऊँगी और लास्ट में हम चटनी का बघार करेंगे, बिकॉज सांभर की सब्जियाँ गलनी है ना। अच्छा, सांभर में आपकी मर्ज़ी, आप 3-4 किस्म की सब्जियाँ भी डाल सकते हो, बैंगन भी जा सकता है। मैंने सिर्फ गाजर और लौकी लिए, आप इसमें वो भी डाल सकते हो, बैंगन डाल सकते हो, आप इसमें साबुत भिंडी डाल सकते हो, आप इसमें वो जो सजना की फली जो आती है, उफ़, सुहांजने की फली, आई लव दैट इन सांभर। कल असल में मेरा दिन बिजी था, मैं आधा दिन तो बाहर थी, तो इस वजह से ये मैं मंगा नहीं सकी फली, वरना मैं वो ज़रूर डालती, बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा। और ये आपकी फैमिली के लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, अच्छे खासे बन जाते हैं। रमज़ान में ज़रूर इसको बनाइए, आपको इफ्तार पे इतना मज़ा आएगा इस चटनी के साथ। सांभर ना बनाना चाहे नहीं बनाए, सिर्फ भोंडे और चटनी सर्व कीजिए। सांभर मसाला आपको अगर घर में नहीं बनाना है तो मिल जाता है, आजकल तो यहाँ पे भी मिल रहा है, हर जगह जो स्टोर्स हैं मिल जाता है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम, शिरिया आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था, मैंने कहा मैं आपा को थैंक यू भी कह दूँ और उससे सवाल भी पूछना था। जी जी पूछिए जी। अब मैं ना केक बनाती हूँ ना, उसमें से अंडे की स्मेल रह जाती है। क्या हो जाती है? अंडे की स्मेल रह जाती है केक में। तो आप वैनिला एसेंस डाला करें ना। वो भी डालती हूँ फिर भी आती है। नहीं तो आप कम डालती होंगी शायद, हाफ टी स्पून। नहीं नहीं नहीं, अगर 4 अंडे का केक है तो 1 से 1.5 टीस्पून डालता है जी। ठीक है जी जी। आप वैसे आप, मैंने आपके शौक की भी तारीफ करनी थी, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बड़ी बड़ी मेहरबान, मैं तो आपके खाने ट्राई भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। तो यही तो बात है, वरना फायदा क्या है, टीवी के आगे बैठने का, टाइम जाया करने का है ना, जब तक ट्राई नहीं करो तो क्या फायदा। जी मैं करती हूँ, और आपने जो गोलगप्पे बनाना सिखाए थे वो भी बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो नई भाई ने केक बनाया था एप्पल केक, वो भी बहुत अच्छा बना था। अच्छा, वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी होती है, आप यकीन जाने जब आप लोग चीज़ें ट्राई करते हैं और आपकी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है। ठीक है जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अभी 2-3 और डालूंगी और इसको आराम से फ्राई होने दूंगी, फिर आ चुका है इस वक्त ब्रेक का टाइम। ये देखें अच्छे खासे डल गए हैं, मेरे ख्याल से 8 और बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या ये माशाल्लाह। ये मुझे एक हमारा ग्रुप होता था, उसमें एक खातून थी ज़रीना रजब अली, उन्होंने मुझे ये रेसिपी अपने घर खिलाई थी, और कैसी उन्होंने इस बंदी ने रेसिपी दी है कि एग्जैक्ट। और आप यकीन करें, आज वो नहीं हैं इस दुनिया में, और मेरी दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएं। कि मतलब सही रेसिपी, अपनी ख़ानदानी रेसिपी देना
बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। आप सोचो आज मैं शो पे सिखा रही हूँ, पूरी दुनिया देख रही है और उनके लिए कितना बड़ा ये सदका जारिया है। बस देखे माशाल्लाह कितने सारे हो गए, और जल्दी तो मचानी नहीं है, इसको आराम से फ्राई होने दे, आराम से गरम गरम फ्राई करते जाएं और सर्व करते जाएं, क्रिस्पी क्रंची, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची। अब बहुत अच्छा पीसिएगा ये स्मूथ। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाइए सांभर पे। सांभर के लिए एक पाव अरहर की दाल लिए, ठीक है, और अरहर की दाल को आपने भिगोया, भिगोने के बाद आपने उसको बॉईल कर दिया, एक टेबलस्पून सांभर मसाला डाल के। ठीक है, एक टेबलस्पून हमने सांभर मसाला डाला और बॉईल कर लिया। अब मैंने इसमें एक कप, ये देखें अरहर की दाल, ठीक है, अब मैंने इसमें एक से डेढ़ कप पानी डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जियाँ जो आपको पसंद है, बैंगन एक ले लीजिए, मैंने दो ही सब्जियाँ ली हैं तो इसलिए मैंने एक पाव लौकी लिए। आप एक बैंगन छोटा ले सकते हैं, इसी क्यूब्स में काट के डाल दें, लौकी डाल दीजिए, साबुत हरी मिर्चें डाल दीजिए, फली जो मैंने आपको बताई है, गाजर, ठीक है, टमाटर। बख्तियार भाई इसको मुझे बीच से आधा करके फिर आधा, आठ टुकड़े कर दीजिए इसके। थैंक यू बेटा। अच्छा ये डाल दिया, अब मैं इसमें सांभर में शामिल करूंगी। सब्जी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे इमली, अभी नहीं जब ये गल जाएगी, इमली का पल्प वहाँ रखा हुआ है, और सांभर मसाला जाएगा इसमें, एक तो बॉइलिंग में डाला है, यही तो जान है इस ये मसाला। बस इसको आप पकने दें जब तक कि हमारी सब्जियां गल जाएं। जब सब्जियां गल जाएंगी, अच्छा इसमें नमक नहीं डाला है मैंने, लिखें प्लीज। वन एंड अ हाफ टी स्पून सॉल्ट, अब टमाटर के मोटे मोटे टुकड़े वो भी इसमें चले जाएंगे, और इसमें फिर आखिर में जब ये गल जाएगी सब्जी तो मैं इसमें इमली का पल्प डालूंगी, जूस इमली का गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा इसमें, तकरीबन क्वार्टर से आधा कप जितना आप चख के डालिएगा, जितना आपको सांभर की खटास पसंद है, ठीक है। फिर हम इसमें आखिरी में बघार देंगे, तेल लेंगे इटालिया का, पोमेस ऑलिव ऑयल आधा कप, उसमें मैं शामिल करूंगी साबुत लाल मिर्चें 3 से 4 या 6 और कड़ी पत्ता 15-20 डाल के उसके हम बघार देंगे। अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें सख्त, ये देखें वो अंदर, ये देखें क्रिस्प, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तेल में से हम ले लेंगे क्या बघार के लिए, चटनी के बघार के लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करके देख रही हूँ,
कि ये हमारे आलू कहाँ तक पहुँचे, तेल ऊपर आया नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ आलू बुखारा 10, 12, 15 जितना आपको पसंद है आप डालें। थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल रही हूँ, बाद में फिर लेयरिंग में डालूँगी। पुदीना और धनिया इसमें बहुत जाता है, एक एक गड्डी डालें। बस अब इसकी आंच हल्की कर रही हूँ मैं बिल्कुल, ताकि तेल ऊपर आ जाए। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसका तेल निकालना है मुझे। इसकी आंच बिल्कुल हल्की होगी और जब तक आंच हल्की नहीं होगी तेल ऊपर नहीं आएगा। साबुत हरी मिर्चें 3-4 डाल दीजिए इसमें मोटी वाली, और बैगन एक काट के डाल दीजिए, भिंडी साबुत डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। इसी के घोल है, ले लें, बिल्कुल ले लें। चलिए जी, ब्रेक आ चुकी है, हम इधर इसका नमक ट्राई कर रहे हैं। आप चलिए ब्रेक की तरफ वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं। चटनी को बघार देंगे, बिरयानी को दम लगाएंगे, सब आखिरी के जो हमारे वो है वो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, चलें मैं बिरयानी को दम लगा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने अपने उसमें से तेल निकाल लिया है जितना निकल सकता था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिसमें हम चावल दम पे लगा रहे हैं। उसमें तेल काफ़ी है, ज़रा सा ले लेती हूँ चले, ताकि चावल आपका नीचे लगना लगे नहीं ना। ठीक है, ज़रा सा तेल और पानी चला गया, आधे चावल जाएंगे। सेवन फिफ्टी ग्राम्स राइस है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे पूरा। ठीक है, देखें मसाला, देखें और क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, अब इसमें मैं, ये ऑप्शनल है, फिर कह रही हूँ ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, बट आई लव मटर सो आई एम एडिंग मटर। ठीक है, मटर चला गया, बचा हुआ हरा धनिया, पुदीना, ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे केवड़ा और येलो कलर। अच्छा, ये चला गया, अब इसमें जाएगा बचे हुए चावल,
इसमें आप आराम से 8 से 10 लोग बिरयानी खा सकते हैं। खाली भी आलू की बिरयानी बनाएं अच्छे से कचुम्बर और रायते के साथ, 8 लोग पेट भर के खा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आपकी रेसिपीज की तारीफ करनी थी, तो बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। और एक मेरा क्वेश्चन था कि ये जो पफ चीज है बहुत अच्छी है, मैं यूज कर चुकी हूँ, मगर मुझे इसमें डिफरेंस ये पता नहीं चलता, ये जो बॉटल वाली चीज आप कहती हैं कि बॉटल कौन सी है और दूसरी कौन सी, मुझे जरा काइंडली इसमें थोड़ा सा वो बता दें कि बॉटल कौन सी का क्या मतलब, ये पड़ी है आपके सामने? नहीं, टब वाली चीज भी कहती है ना कि टब वाली चीज इस्तेमाल करने को, पक्की लीजिए, टब वाली हो या बॉटल वाली हो। नहीं ऐसे चंटी, टब तो नहीं आता, मतलब वो जार होता है? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, टब में आती है, ऐसे छोटे पक्के टब्स आते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके अगर आपके पास अभी है तो शो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं है। ठीक है, ये देखें केवड़ा और येलो कलर, ये जो तेल हमने निकाला था वो, और इसके बगैर तो हमारा शो ही मुकम्मल नहीं है भाई। तड़का तो इसी से होगा ना, थोड़ा सा बटर फ्लेवर के लिए, लूरपाक का बेहतरीन मक्खन, यूरोपियन ब्रांड है, पूरे पाकिस्तान में आपको मिल जाता है, हर छोटी सी बड़ी सुपरमार्केट में 40 साल से मिलता है। बिरयानी में डालें, दाल का भगार दें, कुछ भी करें, सैंडविचेस बनाएं। जस्ट वेट बेटा, तेज कर दिया है मैंने 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसको बिल्कुल हल्का करूंगी। आप फटाफट चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से आएंगे, हमारे 2 काम बाकी हैं, आप देखते हुए चले जाओ। इसमें मैं डाल रही हूँ इमली, मैंने इसमें टमाटर डाल रही हूँ, मैंने इसमें थोड़े से एक मुट्ठी मटर भी डाले थे, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने मटर डाल दिए और मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, इमली डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून गाढ़ी गाढ़ी, ठीक है। नमक इसमें कम था, मैंने और डाला था थोड़ा, ब्रेक में मैंने चखा था ना, नमक कम था, ठीक है। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद और दोनों का बघार करते हैं, इसका भी और चटनी का भी। आ जाइए ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने जिस तेल में भांडे फ्राई किए थे, मैं ज़ाया तो नहीं करूँगी ना, उसी में मैं बघार दे रही हूँ अपने सांभर का। मैंने 3/4 कप चॉप प्याज लिए और ये देखें प्याज कितनी खूबसूरत सी ऐसी गोल्डन हो गई है, ठीक है। जब प्याज ऐसी गोल्डन हो जाए तो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा 4-6 लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता डालें, 10, 12, 15, 20 आपकी खुशी है, आई लव कड़ी पत्ता। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वो मेथी दाना, बस शेफ़ कुकवेयर, बेहतरीन बर्तन जो हम यूज़ करते हैं अपने शो पे, अब तो कलर में भी आ गया है, ऑनलाइन जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्या सांभर की खुशबू है, चावलों पे भी हमारे बिरयानी पे दम आ गया है, ये देखें। जो लोग दुबई में, बहरीन में, बाहर रहते हैं आप लोगों को, तो वहाँ इंडियन स्टोर्स अलादेल और पता नहीं कौन कौन से, हर जगह मिल जाता है सांभर मसाला। लाएं, पैकेट खोलें, फ्रिज में रख दीजिए बॉटल में भर के। अच्छा, इसी में से हम और तेल ले रहे हैं चटनी के बघार के लिए, बस 1/4 कप, ठीक है। चटनी का बघार 1/4 कप से भी कम ले लें तो बेहतर है। ओके,
इसमें जाएगा माश की दाल कच्ची, इसको हम खूबसूरत सा गोल्डन करेंगे। फिर कड़ी पत्ता जाएगा, लाल मिर्चें जाएगी और राई दाना। ये राई दाना, ये लाल मिर्चें, ये बड़ी बड़ी हैं, इनको हटा रही हूँ मैं। कड़ी पत्ता, ये देखें प्यारी सी गोल्डन हो गई। बस चटनी हमारी रेडी है। और एक चीज़ रह गई है, वो क्या है कि मुझे अपने सांभर में हरा धनिया नहीं डाला है। ठीक है, मिक्स करेंगे। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, हमारा काम ख़त्म हो चुका है, शो इख्तिताम पे है। ब्रेक में ये रिकैप ब्रेक है, आप चल के हर चीज़ देख लीजिए, कुछ आपसे मिस हो गया हो फिर भी रह जाए तो आप आज का शो शाम 6:30 बजे रिपीट होता है उस वक्त देख लीजिएगा, रात 2 बजे रिपीट होता है और कल सुबह 7:30 रिपीट होगा। आप लोग ब्रेक की तरफ चलिए, मैं सांभर डिश आउट करूँगी, मैं अपनी बिरयानी मिक्स करके डिश आउट करूँगी और हमारे भोंडे तैयार हैं। स्टे विद अस। भोंडे अच्छा टोटा चावल आधा कप, माश की दाल 1.5 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, उठी काले मिर्च 1 चाय का चम्मच, कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया आधा कप, घी आधा कप, तेल आधा कप। चटनी के लिए हरा धनिया आधी गट्ठी, कद्दूकस नारियल 1 कप, हरी मिर्चें 6 अदद, चने की दाल 2 खाने के चमचे, नमक 1/2 चाय का चम्मच, दही आधा कप। तड़का लगाने के अज्जा, तेल 3 खाने के चमचे, माश की दाल 1/2 चाय का चम्मच, राई 1/2 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 15 अदद, गोल लाल मिर्चें 4 अदद। तरकीब, टोटा चावल और माश की दाल को एक साथ पानी में 6 घंटे भिगो दें, फिर पानी निकाल कर इन्हें चॉपर में 1/4 कप पानी के साथ पीस लें। उसके बाद पिसे टोटा चावल और माश की दाल को बोल में निकालकर ढकें और रात भर छोड़ दें। अब ब्लेंडर में नमक, कुटी काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके पीस लें। फिर इस मिक्सचर को दाल के मिक्सचर में डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद घी और तेल गर्म करके बड़े को बूंदी की शक्ल दें और छोटी बॉल्स बना लें। आखिर में तेल में डीप फ्राई कर लें। चटनी के लिए ब्लेंडर में तमाम अज्जा दही के साथ ब्लेंड कर लें, फिर बोल में निकालकर तड़का लगा दें। तड़का लगाने के लिए तेल गर्म करके तमाम अज्जा फ्राई कर लें। आखिर में चटनी पर तड़का लगाकर सर्व करें। मसालेदार आलू बिरयानी अज्जा, तेल 1 कप, आलू 1 किलो, सेला चावल उबले 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1/2 चाय के चमचे, पानी 1/4 कप, नमक 2.5 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2.5 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, दही 1.5 कप, चॉप्ड हरा धनिया आधी गट्ठी, चॉप्ड पुदीना आधी गट्ठी, आलू बुखारे 15 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, केवड़ा 1/4 चाय का चम्मच, पीला रंग 1/4 चाय का चम्मच, सुर्ख प्याज 1 कप, उबले अंडे गार्निश के लिए। तरकीब, तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लें, फिर इसमें 1/2 कप सुर्ख प्याज और टमाटर शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद 1/4 कप पानी, आलू, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, हरी मिर्चें और दही डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब इसमें 1/2 कप पानी शामिल करके ढकें और इतनी देर पकाएं कि आलू गल जाएं और तेल ऊपर आ जाए। फिर इसमें आलू बुखारे, हरा धनिया, पुदीना और पिसा गर्म मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद पैन में 1/4 कप तेल, 1/4 कप पानी और आधे उबले चावल फैला दें। अब इसमें आलू का मिक्सचर शामिल करके हरा धनिया और पुदीना डालें, फिर इसमें बाकी के चावल, केवड़ा और पीला रंग डाल दें। उसके बाद बाकी सुर्ख प्याज और तेल शामिल करके ढकें और इसे 15 मिनट दम दें। आखिर में उबले अंडों के साथ सर्व करें। सांभर, सांभर मसाले के अज्जा, चने की दाल 3/4 कप, मेथी दाना 1/2 चाय का चम्मच, गोल लाल मिर्चें 15 अदद, तेल हसबे ज़रूरत। सांभर के लिए अरहर की दाल 1 कप, प्याज 2 अदद, गाजर 1 अदद, लौकी 250 ग्राम, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 12 अदद, इमली का गूदा 1/2 कप, गोल लाल मिर्चें 3/4 चाय का चम्मच। तरकीब, सांभर मसाले के लिए थोड़े तेल में तमाम अज्जा भुने, फिर इन्हें ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लें और एयरटाइट जार में महफूज कर दें। सांभर के लिए अरहर की दाल को 1 घंटा भिगो दें, फिर इसमें 4 कप पानी और 1 खाने का चम्मच सांभर मसाला शामिल करके इतनी देर पका लें कि दाल गल जाए। उसके बाद तमाम चॉप्ड सब्जियां डालकर इतना पकाएं कि सब्जियां नरम हो जाएं।
अब इमली का गूदा शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में तेल गरम करके कड़ी पत्ते और गोल लाल मिर्चें फ्राई करके दाल को तड़का दें और बोंडे के साथ सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं इस वक्त सांभर इंजॉय कर रही हूँ। मैं आपको नहीं बता सकती ये क्या बनाएं। आप यकीन करें, मुझे अपनी चीज़ों की तारीफ़ करने की आदत नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग फ़ौरन बनाएं। प्लीज़ बनाइए। और ये कॉम्बिनेशन है भोंडे के साथ सांभर और वो चटनी का, प्लीज़ ज़रूर बनाइए, ठीक है। और हमारी बिरयानी भी देखें कितनी मसालेदार। आलू बिरयानी रेडी है, सांभर रेडी है, भोंडे रेडी है, चटनी रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है कि वक्त पे हमारी चीज़ें हो जाती हैं। आज बन रहा है दावत में बारबेक्यू हांडी और ब्लूबेरी कॉबलर, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल जुम्मतुल मुबारक है, कल बनाएंगे हम वेजिटेरियन। एक पनीर की कोई चीज़ है और भिंडी और आलू है, समथिंग एल्स, ठीक है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। आज जुमे की रात है, सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह सजदा, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह काफ, या आपने सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और अगर हो सके, आपको वक्त मिले, तो यासीन शरीफ सुबह तो हर कोई पढ़ता है, शाम में भी पढ़ लिया करें। शाम में पढ़ने के अलग फजीलतें हैं और सुबह पढ़ने की अलग फजीलतें हैं। पढ़ लिया करें, क्या जाता है 15 मिनट और अल्लाह को देने में, है ना जी। जा ओके। कल हम बना रहे हैं गुजराती कढ़ी, बहुत मज़े की होती है वो भी, ठीक है। बिल्कुल अलग, गुड़ या चीनी के साथ, उफ आई लव इट, ठीक है। वो बनेगी और ढाबा स्टाइल की भिंडी बनेगी और बनेगा क्या बोला मलिसा, पनीर मक्खनी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ इंशाल्लाह कल आप हमारे शो में देख सकेंगे। साथ दीजिएगा हमारा, सुबह 11 बजे आपसे मुलाकात करते हैं। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।